हूँ जिसमें मैं खुदावन के लोगों की जितना हो सकता है खिदमत करता हूँ। सो खुदावन का शुक्र करता हूँ कि खुदावन मुझसे काम ले रहा है। आमीन। आमीन। पास्टर ये शहबाज सांगर से मेरा तल्लक है, ब्रीवर चर्च के साथ खिदमत करता हूँ और वर्कशॉप और उसके गिरदुरवा में सांगर शहर के गिरदुरवा में खुदावन की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। सो बहुत सारे सारे दोस्त भी हुए हैं, वफादार लोग भी हुए हैं जिनके साथ मिल के हम खिदमत करते हैं और खुदावन के नाम को बुला देते हैं। आमीन। सर जी, आप वकील होने के नाते हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कि हमारे न्यू जनरेशन है, इसमें दो चार मसाइल ऐसे हैं जो सारे आम हैं। इसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक तो थोड़ा सा मजहबी कवानीन, थोड़े शरीयत के कवानीन, और ज़्यादातर आजकल जो लॉजिक पाई जा रही है ये है सेपरेशन की और डाइवोर्स की। सर, इसके बारे में आप क्या ब्रीफिंग देंगे? अच्छा, मेरा ये कहना है कि आपने दो डिफरेंट जो है सब्जेक्ट एक साथ दे दिए हैं, तो पहले आ जाते हैं थोड़ा सा छोटे पॉइंट के ऊपर, तो मैरिज के ऊपर। अच्छा, पहली बात तो हम यहाँ पे मसीह बैठे हुए हैं, तो मैं क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के मुताबिक जो है क्रिश्चियन जो है एक्ट है वो 1876 में जो है वो लाहौर में जो है इसका जो है वो इनकार जो है वो यूके ने जो है वो इसका इसकी बुक को जो है वो याद करके फिर हमारे लिए एक एक्ट बनाया गया जिसमें जो है हम क्रिश्चियनों के लिए कुछ बाउंड्रीज जो है उन्होंने वो रखी थी जिसमें बाइबल से जो है वो चीज़ें ली गई थी। अच्छा, बाइबल में जो है क्रिश्चियन लॉ के मुताबिक, और मैं दो डिफरेंस बता देता हूँ कि हमारे जो है मुसलमान भाई जो है वो लड़की अगर जाती है तो खुला जो है वो लेने के लिए जो है जाती है, लेकिन क्रिश्चियन जो है वो खुला जो है वो केस अगर लड़की करती है तो खुला जो है वो केस दाखिल नहीं करती है, वो सेपरेशन का या फिर वो तलाक का केस जो है वो सूट में दाखिल कर सकती है, ना कि वो खुला का केस दाखिल कर सकती है। अगर लड़का जाता है तो लड़का डायरेक्टली जो है वो तलाक जो है वो एक लड़का वहाँ पे मुसलमान जो है लिख के दे सकते हैं, लेकिन हमारे क्रिश्चियन जो है अपना प्रॉपरली सूट दाखिल करते हैं, ना कि एफिडेविट। एफिडेविट जो है वो हमारे जो है एक्ट में